नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुकी है क्योंकि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उसके साथ सख्ती बरत रही है, इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन हो सके। लेकिन इन सब के बीच अब जहां एक तरफ प्रशासन सतर्क है, वहीं अब प्रशासन की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, क्योंकि राजधानी पटना में सुबह बीजेपी के मीडिया प्रभारी राकेश सिंह को पुलिस ने पीट दिया। ये बात गुंडागर्दी को दर्शाती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राकेश सिंह अपने घर का राशन लेने के लिए निकले हुए थे और आर ब्लॉक चौराहे के पास मंदिर है, वहां पे पुलिस ने उन्हें पीट दिया और ये आरोप लगा है कोतवाली थाना प्रभारी के ऊपर। हमारे साथ है विक्रांत, हम सीधे विक्रांत से बात करेंगे। विक्रांत, ये क्या पुलिस की गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए निर्भय तो ये लगातार मामला सामने आ रहा है। कल की अगर बात कर लें तो कल भी NIT के पास एक छात्र को पुलिस ने जोरदार से पिटाई कर दी और वो दवा लेने जा रहा था। वो बार बार बता रहा था कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उसको पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने वरीय अधिकारी को भी इसके लिए लिखित आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एक मामला अभी सुबह का भी आ गया, जो मीडिया प्रभारी जो है राकेश सिंह, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और यहां तक कि उनको पीट दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं और मैं अपना घरेलू सामान ले जा रहा हूं, उसके बाद भी पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली निर्भय। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल राकेश सिंह की है, जिन्होंने उनके साथ जब घटना घटी उसके बाद मीडिया में उन्होंने इस बात को जानकारी दी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कैसे उनके साथ बर्बरता की है, पुलिस ने उनको पीटा है। हालांकि मीडिया प्रभारी कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, आम इंसान भी नहीं है कि वो पुलिस प्रशासन से अलग हो और प्रशासन को उसकी जानकारी ना हो, लेकिन सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि जब प्रशासन इस तरीके के लोगों को, यानी कि जो लोग खास हैं, जो लोग हमेशा मीडिया में बने होते हैं, जिनकी पुलिस प्रशासन को जानकारी होती है, अगर उन लोगों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार पुलिस करती है तो नज़ारा और किसी का क्या होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैं राकेश सिंह की, जो कि अपनी पूरी जानकारी उन्होंने दी। उनका कहना है कि वह सुबह निकले हुए थे घर का राशन लेने के लिए। प्रशासन सतर्क है और वरीय अधिकारी जब भी सामने आते हैं तो वो सख्ती का पालन करने की बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ विक्रांत हैं, फिर से विक्रांत आपसे जुड़ेंगे। विक्रांत, ये तस्वीरें उभर के जो आ रही है, आम इंसान के साथ क्या होता होगा, ये तो तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, जब मीडिया प्रभारी जब नहीं बख्शे जाते तो आम इंसान को सोचिए कि उनके साथ क्या होता होगा। अगर हम बात कर ले DGP की, तो DGP भी लगातार फ्रेंडली पीपल्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोई भी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कल हमने सीनियर SP को भी फ़ोन किया और अभी भी पटना SSP उपेंद्र शर्मा को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। ये है पटना पुलिस। बिल्कुल, तो पटना पुलिस का ये हाल है। हमने खबर भी चलाई कि ये जावाज है, ये वैसे लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं, लेकिन कोरोना योद्धा अब अपनी कुछ दूसरे रूप में आ रहे हैं। हालांकि सख्ती ज़रूरत है और सख्ती के बिना ही संभव नहीं हो पाएगा लॉकडाउन का पालन करना, लेकिन इन सब के बीच मानवीयता भी कुछ चीज़ होती है। मानवता कायम रहनी चाहिए, जो लोग को ज़रूरत है ज़रूरत के अनुसार सुविधाएं बनाएं। DGP जब भी सामने आते हैं तो फ्रेंडली पीपल की बात करते हैं, लेकिन जाते जाते वो हमेशा अपने शब्दों में आखिरी जो वक्त पंक्ति जब वो छोड़ते हैं तो अपनी सख्ती बता के जाते हैं और उस सख्ती का पालन भी हो रहा है। खुद SSP हैं, वो सड़कों पे हैं और रोज़ सुबह और शाम घूम रहे हैं, साथ साथ रातों में भी जब गश्ती को निकलते हैं तो जो लोग उनको मिलते हैं उनके साथ जो और भी अधिकारी होते हैं या जो और भी पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने साथ डंडा बखूबी चलाते हैं। लेकिन डंडा चलाना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ हो मानवीयता ज़रूर होनी चाहिए और प्रशासन ये अब पूरी तरीके से भूल रही है। लेकिन अगर BJP मीडिया प्रभारी के साथ ऐसा हो रहा है या हो गया तो आम इंसानों का क्या होगा, ये सवाल बनता है। ये सवाल प्रशासन के ऊपर भी जाता है कि क्या सिर्फ कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लागू लॉकडाउन ही सब कुछ मायने रखता है? क्या वो आम इंसान जो दवा लेने निकलता है या वो आम इंसान जो अपने घर का राशन लेने निकलता है, उनको बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए बाकी सब चीज़ भूल जाना है? सवाल न्यूज़ 1:11 भी आपसे करता है कि क्या ये सही है। बने रहे न्यूज़ 1:11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।